अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगवाए थे चिल्तन प्योर के, जिसको मैं अनबॉक्स करूँगी आपके सामने। इससे पहले मैंने ये कभी भी यूज़ नहीं किया है, और मुझे कुछ ऑयल्स चाहिए थे अपने स्किन के लिए, अपने फेस पे यूज़ करने के लिए, और बिल्कुल वो नेचुरल और ऑर्गेनिक और 100% प्योर चाहिए थे। तो मैंने किसी के पूछने पे, किसी के बताने पे कि ये बहुत अच्छे होते हैं, तो मैंने अपने लिए ऑर्डर कर दिए हैं। रिव्यू तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगी, दूँगी रिव्यू की वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगी मैं। अगर मुझे ये सूट किए और अच्छे रहे तो मैं ज़रूर इसके बाद एक वीडियो बनाऊँगी, लेकिन मैंने सोचा अनबॉक्सिंग आपके सामने कर लेते हैं और आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि मैंने आज किस किस तरह के और कौन से ऑयल मंगाए हैं। अच्छा जी, देखते हैं कि ये सबसे पहले कौन सा ऑयल है। यहाँ पर लिखा हुआ आई लव चिल्तन। अच्छा जी, इसके अलावा ये हलाल है, और डिफरेंट तरह की डिटेल्स इसमें दी हुई है। ये एसेंशियल ऑयल है, मेरा ख्याल है एसेंशियल ऑयल। मैंने नरोली का मंगवाया था, जो बिटर सिट्रिक प्लांट होता है ना, उसका जो फ्लावर होता है ना, उससे ये बनाया जाता है, उसके फूल से। इसके अलावा ये देखते हैं, ये बड़ी अच्छी पैकिंग में आया है, और बड़ा मतलब कि बिल्कुल भी कहीं से लीक ना हो, वो इस वजह से कि ये ग्लास बॉटल है, और इन्होंने आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से उसको पैक करके भेजा हुआ है, ना ही वो लीक हुई है रास्ते में, और ना ही। अच्छा, इसका जो ऑर्डर है ना, मुझे बहुत जल्दी मिल गया था। इन्होंने ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दे देते हैं चीज़ों को, और ये 2 दिन के अंदर अंदर वाया TCS मुझे रिसीव हो गया है। अच्छा, वाइटामिन ई ऑयल है। वाइटामिन ई ऑयल के मैं हम लोग जो बाज़ार से 5-5 रुपए के कैप्सूल्स ले लिया करते हैं, मुझे भी एक टाइम में लगता था कि वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वो स्किन पे यूज़ करने के लिए नहीं होते, और वो उस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं होती। ये बिल्कुल 100% प्योर है, जितना मैंने इसके बारे में सुना है। अंदर से भी मैं आपको इसका कलर दिखा देती हूँ, और इसके अलावा मैं इसकी स्मेल भी अगर आपको बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ओरिजिनल है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं सैफ्लावर ऑयल की। ये सैफ्लावर हम उसको ज़ाफ़रान को कहते हैं, ज़ाफ़रान के जो बीज होते हैं इसके फूल के अंदर, उससे ये निकाला जाता है। पीछे इसकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, इसके बेनिफिट्स दिए हुए हैं, और लास्ट में ग्लिसरीन है, वेजिटेबल ग्लिसरीन है, जो हमें लोकल कहीं पर भी सस्ती सी ग्लिसरीन मिल जाती है, ये वैसी नहीं है। ये बिल्कुल वेजिटेबल अच्छी क्वालिटी की ग्लिसरीन है, जो हम मुख्तलिफ टोनर बनाने में या मुख्तलिफ तरह के सीरम्स बनाने में यूज़ करते हैं। देख लिया जी आपने, मैंने ये सब प्रोडक्ट मंगवाई हैं, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसका रिव्यू इंशाल्लाह मैं जल्दी दूंगी, तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।